दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे तो सबसे दोस्तों पहले। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MI 10 Pro को कैसे फ्लैश करते हैं और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं भी MI 10 का ग्लोबल बीटा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। MI 10 Pro चाइना डेवलपर रूम पर बेस्ट है बट फिर भी हमें उसमें कोई चाइनीज बॉटवेयर वगैरह देखने को नहीं मिलती क्योंकि ये पूरी तरह से मॉडिफाइड है। तो अभी चलो हम रिकवरी में रिबूट कर देते हैं। तो इस रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपके फ़ोन में TWRP इंस्टॉल होनी चाहिए। तो हमारा डिवाइस TWRP में बूट हो चुका है। तो मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ सबसे पहले तो, ताकि आप सभी को सब कुछ क्लियर दिखाई दे। हाँ चलो ठीक है। अब आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर एक फाइल डाउनलोड कर लेनी है जिसका नाम है कॉपी ऑफ MI 10 Pro जो कि मैंने खुद क्रैक किया है। तो हमें इसके लिए वाइप भी कर देना पड़ेगा डेल्विक डाटा कैच और सिस्टम। इंटरनल स्टोरेज को अगर आप वाइप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वरना ज़रूरी नहीं है। अगर आप TWRP बूट लोडर वगैरह सब चीज़ों से अगर रूबरू है तो आपको ये कुछ हार्ड नहीं जाने वाला। तो अब मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ MI 10 Pro। तो इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं तो मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूँ। तो ये हो चुके हमारी MI 10 Pro इंस्टॉल। तो दोस्तों मैं लेजी फ्लैश को भी इंस्टॉल कर देता हूँ क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका फ़ोन बूट लूप में भी जा सकता है। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों चलो अब हम रिबूट कर देते हैं। तो दोस्तों वो बेसिकली MI 10 Pro आपको पता ही होगा कि MI 10 Pro हमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कर देती है नॉर्मल MI से, जैसे कि हमें फेस लॉक हमें इसमें देखने को मिल जाता है, बाद में कैमरा में भी हमें मैनुअल फोकस हमें देखने को मिल जाता है और बाकी कुछ कुछ तरह तरह के हमें एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं जैसे स्क्रोल एनिमेशन और स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, और साथ ही साथ हमें इनबिल्ट बटन्स का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है इनबिल्ट। हमें कोई भी रूट और हमें रोम भी प्री रूटेड मिल जाती है मैजिक्स के थ्रू। जैसे कि आप देख सकते हैं बूट एनिमेशन भी चेंज हो चुका है MI 10 Pro का। तो ये बूट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लेंगी तो जब तक मैं इस वीडियो को स्किप कर लेता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हमारा डिवाइस हो चुका है बूट। तो मैं एक क्विक सेटअप कर देता हूँ। हमें यहाँ पर इंग्लिश US का भी सपोर्ट मिल जाता है तो मैं इंग्लिश US सपोर्ट कर देता हूँ। हमें अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस का भी सपोर्ट मिल जाता है लेकिन बेसिकली हमें तो इंग्लिश US यूज़ करना है तो मैं इंग्लिश US सिलेक्ट कर लेता हूँ। अरे क्विक सेटअप भी कर लेता हूँ और हमें इनबिल्ट गूगल प्ले सर्विसेज का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें इनबिल्ट थीम्स में भी हमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। हमें 3-4 नई थीम्स भी देखने को मिल जाती है बट मुझे तो डिफ़ॉल्ट ही पसंद है इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। आपको जो थीम पसंद है आप वो कर सकते हैं। दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं MI 10 Pro के स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप स्टेटस बार से देख ही सकते हैं कि ये सचमुच में MI 10 ही है। तो मैं ऑटोमेटिक ब्राइटनेस को थोड़ा सा बंद कर देता हूँ और ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे।
दोस्तों हम फाइनली आ चुके हैं हम एमआईवाई 10 प्रो पर। तो अगर मैं आपको अबाउट फोन सेक्शन में जाकर दिखाऊँ तो आपको दिखाई देगा कि अबाउट फोन भी हमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे 8.7.5 एमआईवाई प्रो। दोस्तों अगर बाकी चेंजेस की अगर हम बात करें तो हमें सिम कार्ड में अगर हमें डायरेक्ट 4G ओनली का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है और तरह तरह के नेटवर्क मोड्स का भी हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेफर 3G 4G ओनली 4G 3G ओनली 2G ओनली का भी हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है और हम सिलेक्ट टाइम टू सिम कार्ड भी कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी टाइम पर कोई भी सिम कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर मोड में जाने के बाद स्मार्ट नेटवर्क सेटिंग भी हमें देखने को मिल जाता है, जो एक मुझे पसंदीदा मेरा पसंदीदा फीचर है। अगर डिस्प्ले में हम जाते हैं तो हमें अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाती है और हमें ज़्यादातर कस्टमाइजेशन हमें डिस्प्ले ऑप्शन में ही देखने को मिल जाती है। हमें राउंडेड कॉर्नर्स भी देखने को मिल जाते हैं, साथ ही साथ हमें एम्बिएंट डिस्प्ले का भी फीचर हमें देखने को मिल जाता है। अगर एनिमेशन की बात करें तो हमें स्क्रीन ऑफ एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें तीन एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं, एक CRT जो अगर मैं ट्राई करूँ तो अभी तो वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों मेरे ख्याल से। दोस्तों एक बार ट्राई कर लेते हैं और एक बार। तो दोस्तों ये शायद से वर्क नहीं कर रहा है और हो सकता है कि ये रिबूट करने के बाद वर्क करने लग जाए, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जो MIUI में ये फीचर यूज किया था जब CRT वाला फंक्शन हमें वर्किंग करने को करता हुआ देखने को मिला था रिबूट करने के बाद। तो अभी तो फिलहाल के लिए हम इसे डिफॉल्ट पर सेट कर देते हैं। और दोस्तों बात करते हैं स्क्रीन बटन की, तो ये भी हमें रिबूट होने के बाद ही वर्क करने को देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ हमें जेस्चर्स का भी सपोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। हमारे इसमें जेस्चर्स भी आ जाते हैं ये फीचर को इनेबल करने के बाद। अगर बात करते हैं थीम स्टोर की, तो हमें सारी यानी कि थर्ड पार्टी थीम्स का भी हमें सपोर्ट डायरेक्टली इनबिल्ट प्ले स्टोर में भी देखने को मिल जाता है, थीम स्टोर में देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, तो हमें इसमें फेस लॉक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, फेस लॉक अब वापस आ चुका है MIUI 10 के साथ। तो मैं क्विक पासवर्ड सेट कर देता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं फेस लॉक कितना अच्छे से वर्क करता है MIUI 10 में। मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मेरा फेस को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी मैंने सेट कर दिया है। अगर मैं थोड़ा सा भी मेरे तरफ टर्न कर देता हूँ तो ये क्विकली अनलॉक हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको लग रहा होगा कि मैं फिंगरप्रिंट से अनलॉक कर रहा हूँ, तो आपको मैं दिखा देता हूँ मैं फिंगरप्रिंट यूज नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी उंगलियाँ सब बाहर है, कोई भी उंगली इसको टच नहीं कर रही है फिंगरप्रिंट स्कैनर को, और फेस अनलॉक पूरी तरह से वर्क कर रहा है। और ये MIUI 9 से काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, एक्चुअली मुझे मज़ा भी आ रहा है इसे फेस अनलॉक में फेस अनलॉक को यूज़ करने के लिए। अगर बात करते हैं हम अलग दूसरी कुछ सेटिंग्स की, तो हमें बाकी सब नॉर्मल सेटिंग्स ही हमें देखने को मिल जाती है। अगर बात करते हैं एडिशनल सेटिंग की, तो हमें ऐसे क्विक बॉल हटा दी गई है। जी हाँ, हमें क्विक बॉल का फीचर अब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अब हमें जेस्चर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो इसी वजह से हमें क्विक बॉल का सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों हमें क्विक बॉल का सेट हम अगर बटन एंड जेस्चर्स में जाते हैं तो हमें भी उसमें भी ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं MIUI 10 Pro के कैमरा की। दोस्तों हमें कैमरा बिल्कुल ही MIUI 9 स्टाइल ही मिल जाता है, बस हमें एक स्क्वायर मोड ऐड मिल जाता है। तो कैमरा में तो खैर कुछ खास चेंजेस है नहीं। अगर बात करते हैं दूसरे ऐप्स की, तो हमें गैलरी में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलते। अगर बात करते हैं क्लॉक की, तो वो हमें MIUI 10 के स्टाइल की क्लॉक मिल जाती है पूरी डार्क वाली।
अगर बात करते हैं, हमें इसमें माजिस का सपोर्ट इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये रोम प्री रूटेड हमें देखने को मिल जाती है। अगर फाइल मैनेजर की बात करें तो हमें यही चाइना वाला ही देखने को मिल जाता है। अगर एम आई वीडियो के ऑप्शन देखने को देखें तो हमें इसमें कोई भी ऑनलाइन कंटेंट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, हम बस ऑफलाइन वाला ही कंटेंट प्ले कर सकते हैं। और सेम हमें एम आई म्यूजिक में भी वैसे ही देखने को मिलता है, हम ऑनलाइन कंटेंट को एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि इंडिया स्पेशल फीचर है। अगर थीम स्टोर का बात करें तो ये भी हमें इस बार वर्किंग देखने को मिल जाता है फुल्ली इंग्लिश में, और हर थर्ड पार्टी थीम का हमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करें लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन में हमें कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, बस हमें थोड़े से टॉगल ज़्यादा ऐड करे हुए देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं रिसेंट की, तो हमें रिसेंट भी MIUI 10 स्टाइल ही देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ हमें उसके कॉर्नर्स भी कर्व हमें देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं दोस्तों मल्टीटास्किंग की, तो इसमें हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, जो कि हमें ग्लोबल MIUI पर इम्प्रूवमेंट जितनी देखने को मिलती थी उससे भी ज़्यादा अच्छी रैम मैनेजमेंट मैं कहूँगा इसमें देखने को मिल जाती है। तो रैम मैनेजमेंट के हिसाब से तो ये रोम काफ़ी, जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे पिन डालने का भी मौका नहीं मिला, ये ऑटोमेटिकली फेस अनलॉक से अनलॉक हो जाता है। ये तो मुझे पसंद आया कि क्योंकि पिछली बार MIUI 9 में हमें फेस अनलॉक बहुत स्लो देखने को मिला था, तो उसमें कोई यूज़ करने में मज़ा नहीं आ रहा था। इस बार हमें MIUI 10 में तुरंत अनलॉक हमें यानी कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा फास्ट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बस यही था आज के इस रूम का रिव्यू। अगर आपको रूम पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन वीडियोस बनाता रहता हूँ। थैंक्स एंड बाय।